अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब भाइयों दोस्तों साधुओं को जी। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर वाफियत से होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जो भाई सादा कराम मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं जी। जी जनाब, देख रहे हैं आप मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, स्मोग का राज चल रहा है, स्मोग बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो इस स्मोग में, इस बदलते हुए मौसम में कबूतरों की देखभाल भी हमें करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट फाट है, बच्चे वगैरह भी पाल रहे हैं। तो मेरा भाई इस मौसम में ना कबूतरों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो परिंदे आपके थोड़े से बीमार भी हो जाएंगे, सुस्त भी हो जाएंगे, आँखें गले ख़राब। आजकल तो इंसानों का भी हो रहा है ये मसले मसाइल कर रहे हैं, तो परिंदों में भी ये मसले मसाइल आते हैं। तो उसमें हमें देखभाल करनी चाहिए। देखभाल में मेरा भाई, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। मेरा भाई एंटीबायोटिक का अपनी कोर्स करवाना है 3 दिन लगातार। एंटीबायोटिक में आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, इसमें आप एंथ्रोसिम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये एंथ्रोसिम है, ये बारिश की वजह से ना पानी लग लग के ख़राब हो गया, इसकी पैकिंग मैं इंशाल्लाह वीडियो में इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा। एंथ्रोसिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 दिन लगातार। अगर आपको महसूस हो रहा है परिंदे मेरे थोड़े सुस्त हैं, अगर आपके परिंदे ठीक भी हैं फिर भी आप इस्तेमाल करवाएं परिंदों को, ताकि ये मौसमी बीमारियों से, मौसम में जो तब्दीली की वजह से बीमारियाँ आती हैं उससे परिंदे बचे रहे, महफूज रहें। इसके अलावा आप एनरोसोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि वो महंगा है, मैं इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं ये सस्ता ही लेके आता हूँ, 200-250 का ये मिल जाता है, तो मेरे लिए यही बेस्ट है। तो अगर आप ज़्यादा पैसे इस्तेमाल खर्च कर सकते हैं तो आप एनरोसोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी भी मैं इस वीडियो में पिक्चर लगा दूँगा, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है मेरा भाई, 1 लीटर में 1 cc आपने डालना है, 1 लीटर पानी में आपने 1 cc डालना है। और ये मेरे पास जो बोतल है, ये लकड़ी का गिलू आता है उसकी ये बोतल है, खाली की हुई है, और इसमें तकरीबन ये 4.5 लीटर आप कह सकते हैं इसमें पानी आता है, तकरीबन 5 लीटर के करीब इसमें ना पानी होता है। तो इसमें मैं 5 cc मिला के अपने परिंदों को डालूँगा, तो इंशाल्लाह 3 दिन लगातार डालें तो परिंदे इंशाल्लाह आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे, एकदम एक्टिव रहेंगे। कोई मसला मसाइल भी आता है, कोई ग्रीन बीट कर रहा है, कोई गला ख़राब है, कोई सुस्त है, बुखार है, तो वो भी इंशाल्लाह इससे ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एनरोसिम या एनरोसोल दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे, जो आप खरीद सकें। अगर आप एनरोसोल इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कर लें, मैं तो ये एनरोसिम ही इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी देर से ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने निकाल दिया है, अब इसको करते हैं जी मिक्स। ये देखें जी, तकरीबन ये 4 cc हो गया है, काफ़ी है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें 4 cc हो गया जी। तकरीबन ये एक ढक्कन है, तकरीबन ये एक ढक्कन जो बोतल का होगा ना, ये 4 लीटर 5 लीटर पानी में ये काफ़ी है। और इसको पानी में डालने के बाद मेरा भाई इसको ना अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना, अच्छी तरह इसको फेंटना आपने। मेरे पास अभी वो मौजूद सरिंज नहीं है बड़ी, जो कबूतरों पलटने के लिए काम आती है, क्योंकि छत के ऊपर रखी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से। तो छोटी सरिंज है, इससे मैं 3-4 दफ़ा इसको फेंटूँगा ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद कबूतरों को दाना डालते हैं, बोरे डालते हैं, उसके बाद में इसमें इसके बाद पानी रखूँगा जी मैं इंशाल्लाह। तो यार मेरा भाई ये लाजमी करें यार कोर्स, अपने परिंदों को बचाएँ, क्योंकि इस मौसम में आप बचाएँगे परिंदों को तो आगे सीज़न में लेके जाएंगे ना, सीज़न में उड़ाएंगे, मज़ा लेंगे। अगर इस मौसम में हम उन परिंदों की देखभाल ही ना कर सके, बचा ना सके, तो कैसे शौक होगा।
कैसे हम परिंदों को उड़ा के मजा लेंगे। मैं वीडियो को यहाँ पे ना ब्रेक करता हूँ, इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना फिर आप को मैं दिखाता हूँ। जी जनाब, पानी मिक्स हो गया जनाब, अब इसको बर्तनों में डालेंगे। ये कनाली है और कनाली के ऊपर ये जंगल इसलिए लगाया हुआ है कबूतर नहाए ना, जब जरूरत हो इसको उतार लेते हैं, जब नहाना हो ना कबूतरों को तब ये उतार लेते हैं। जल्दी हो गया, मेरा पानी ना तीन जगहों पे लगता है, तीन जगह पे इस्तेमाल होता है। ये जी तीन दिन कबूतरों को डालेंगे जी हम, तीन दिन। ये बोरे जी सुबह सुबह इनको बोरों का नाश्ता, ये दाना डालने के लिए लकड़ी की ट्रे बनाई हुई है, क्योंकि तो लकड़ी का काम करता हूँ मैं तो खुद ही ये बना लेता हूँ। चलो भाई बच्चों फाइट भी हो जाओ, बोरे ना बड़े शौक से परिंदे खाते हैं, कई भाई डालते होंगे कई नहीं डालते, कई खाली ही दाना डाल के काम चलाते हैं, लेकिन मेरी रूटीन है सुबह के टाइम इनको मैंने बोरे लाजमी डालने, बोरे डालने के लिए रोटी थोड़ी सी मोटी बनाए, आधी कच्ची पक्की सी टैप ना ये हो, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है जनाब, पानी रखें, वीडियो को ख़त्म करते हैं जी, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं बनानी, पता तो आपको लग ही गया है, आइडिया हो गया आपको, ये लाजमी मेरा भैया आपने कराना है यार, एंद्रोसोल या एंद्रोसिन तीन दिन लगातार इस्तेमाल करवाएं, जैसा कि मौसम चल रहा है अभी ये स्मॉग के दिनों में, बाद में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसी मौसम में, लेकिन जैसा ये मौसम चल रहा है इस मौसम में ये ज़रूरी है अभी, बाद में मौसम ठीक हो जाएगा फिर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप इस्तेमाल करवाएं एंद्रोसिन या एंद्रोसोल जो भी आप ले सकें, एक लीटर में एक सीसी पानी डाल के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।